क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कोरोना काल में देशबंदी के समय की कौन सी तस्वीर आपको सबसे ज्यादा झकझोरती है? शायद मजदूरों के पलायन की तस्वीर। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख मजदूर सड़कों पर, खासतौर पर सूरत, मुंबई और नोएडा जैसे औद्योगिक शहरों और इलाकों से पलायन करते। उस समय में नोएडा में एक ऐसी भी फैक्ट्री थी जिसमें एक भी कर्मचारी या मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला गया था, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई थी। इस सुखद आश्चर्य को अंजाम देने वाली मानवीय संवेदनाओं से भरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी अत्यंत सफल महिला कारोबारी का नाम है नीतू सिंह। कोरोना काल में देशबंदी की ये तस्वीरें देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विचलित कर रही थी। ऐसे में दिल्ली से सटे औद्योगिक क्षेत्र नोएडा की इस फैक्ट्री में महिला कारोबारी नीतू सिंह के दिमाग में एक स्वास्थ्यवर्धक खिचड़ी पक रही थी। मुझे लगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं अपनी फैक्ट्री में बनाऊं जिसके लिए मुझे वर्किंग पासेस भी मिल जाए और उसमें सारे अपने एम्प्लॉइज को, अपने लेबर्स को, अपने टेलर्स को मैं रोक सकूं, उनको होम टाउन जाने से बचा सकूं। और वो दो प्रोडक्ट्स थे मास्क और पीपीई सूट, जिनकी डिमांड उस समय मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने ये नहीं सोचा कि आगे शिपमेंट्स कैसे जाएगी, मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट इंडिया के हर कोने कोने में मैं फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कराऊं अपने इस फैब्रिक को अपने ही एम्प्लॉई से बनवा के, तो बहुत ही कल्याण वाला काम होगा। बिजनेस मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। ऐसे कठिन समय में भी फैक्ट्री बंद नहीं होने से जाहिर है कंपनी के मजदूर और कर्मचारी काफी गदगद हैं और नीतू सिंह के आभारी भी। अब जैसे कोविड के वजह से सारे बाहर मार्केट में ऐसा हुआ है कि किसी की जॉब चली है, लेकिन हमारे ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है जो एक सेकंड के लिए सोच सकता है कि हमारी जॉब चली जाएगी। मैम ने अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी ढूंढी है, अपने लिए भी ढूंढी है। मैम ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है कि पीस बना के हम लोगों की हिफाजत की और पैसों से भी बढ़ाया कि हम लोगों को लॉकडाउन में परेशानी नहीं झेलने पड़ी हम लोगों को। हमारे इस कंपनी में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा है और हम यहाँ 1.5 साल से काम कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के समय में था तो क्या हुआ था? लॉकडाउन के समय में हमने 2-3 दिन घर में रहे, फिर मैम ने फोन करके हमें बुला दिया। उस टाइम मैम का जो चेहरा सामने आया तो मुझे तो लगा कि एक देवी का रूप है, जैसे उस स्थिति में मैं जितना बोल रहा हूँ आपके सामने वो तो कम ही है उनके लिए। इस संवेदनशील महिला कारोबारी की सकारात्मक सोच की बदौलत कोरोना की वो आपदा अवसर में तब्दील हुई और अपने सभी मजदूरों कर्मचारियों सहित नीतू सिंह की कंपनी आज सफलता के नए शिखर छूने को अग्रसर है। आप भी यह अवश्य जानना चाहेंगे कि आखिर क्या खास है नीतू सिंह के इस कारोबार के बारे में जिसने कोरोना काल का इतनी सफलतापूर्वक सामना किया। दरअसल यह कंपनी आज की तारीख में न सिर्फ 50 देशों को गारमेंट एक्सपोर्ट कर रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के उपाय भी कारोबारियों को सिखा रही है।
नोएडा की महिला कारोबारी नीतू सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गारमेंट एक्सपोर्टर भी है। इनकी कंपनी के उत्पाद दुनिया के सभी महाद्वीपों में निर्यात किए जा रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लूंगी तो यूएस है, कनाडा है, यूरोप के कई कंट्रीज ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मेरा बहुत अच्छा मार्केट है, और एशियन कंट्रीज तो ऑलमोस्ट सारे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विदेशों में इनके कई बड़े खरीदार या ग्राहक चीन से भी गारमेंट एंड एक्सेसरीज इंपोर्ट किया करते थे। नीतू सिंह ने उनका रुख चीन की बजाय भारत की ओर अपनी कंपनी की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया, जो बाकी भारतीय निर्यातकों के लिए भी अनुकरणीय है। चाइना से इसका रुख कैसे अपनी तरफ मोड़ो, उसके लिए मैंने चाइना के ही प्रोडक्ट को इंडियन रॉ मटेरियल से तैयार किया, उसका रेट मैंने कम रखा और तब अपने यूएस बायर्स को वो प्रेजेंट किया। मुझे इतनी खुशी होती है उस दिन की कि हमारे पास उसके 2-2 लाख पीस का ऑर्डर हुआ। स्पष्ट है, अगर कंपनी तरक्की करेगी तो वहां काम करने वाले प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे ही, जैसे नेपाल के मूल निवासी और फिनिशिंग विभाग के प्रमुख बाल किशन तिवारी। अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे काम करने में। अच्छे हैं सारे, अच्छे हैं, मतलब हमारे जो मैडम है बहुत अच्छी है। आज नीतू सिंह की कंपनी सिनी डिजाइन्स के उत्पाद दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। नीतू सिंह टाटा बिरला या अदानी अंबानी जैसे किसी बड़े औद्योगिक घराने की बेटी नहीं है। एक घरेलू महिला के रूप में अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक 10-12 साल बाद सिर्फ 1200 रुपए से शुरू इनके कारोबार का सालाना टर्नओवर आज 12 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। देखिए इनके संघर्ष और इनकी सफलता की कहानी। आज भी ज्यादातर भारतीय माता पिता की सोच है कि बेटी की शादी कर दी तो बस गंगा नहा लिए, यानी लड़की के जीवन में प्रगति का अंतिम पड़ाव पति रूपी खूंटे से बांध दिया जाना। नीतू सिंह भी इसकी अपवाद न थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैंने अपनी फैमिली इंक्रीज की, मेरे 2 बेटे हैं, उनके परवरिश में मैंने अपने 10 साल शुरू में दिए, और बिल्कुल उस समय मेरे दिमाग में कोई काम नहीं था, कोई कुछ ऐसा मैंने प्लान नहीं किया था, पर उस 10 साल के दौरान मेरे दिमाग में ये जरूर था कि मुझे कुछ करना है। फिर शुरू हुई इनकी सामाजिक सरोकार से युक्त व्यक्तिगत मुकाम पाने की सकारात्मक यात्रा। साल 2005 में इन्होंने आस्था फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ का गठन किया, जिसका लक्ष्य था दिल्ली के गांवों और झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं के बीच काम करना, खासकर स्कूल ड्रॉपआउट लड़कियों को हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, साथ ही मेडिकल चेकअप, काउंसलिंग जैसे जन कल्याण के लिए समय समय पर जगह जगह कैंप्स लगवाना। इसके लिए बाहरी दिल्ली के बुराड़ी और द्वारका इलाकों में आस्था फाउंडेशन के केंद्र बनाए गए। हालांकि यह भी सच है कि पति के एक बड़े पुलिस अफसर होने से नीतू सिंह को अपनी मुहिम में काफी सहूलियत भी हुई। मैंने अपने हस्बैंड जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनसे मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो करना चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। सिर्फ 1200 रुपीज से मैंने शुरुआत की। इन 1200 रुपयों की मदद से नीतू सिंह बढ़ चली एक हस्तशिल्पी या कारीगर से कारोबारी बनने की राह पर। इन्हीं पैसों से खरीदे गए ग्लास, वुडन और नेचुरल शेल्स के बीड्स से तैयार किए गए इनके आकर्षक डिजाइन्स के आधार पर भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने इन्हें सरकारी खर्चे पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शिरकत करने सितंबर 2011 में ब्रिटेन के शहर बर्मिंघम भेजा। वहां न सिर्फ इनके डिजाइन्स को सराहा गया बल्कि क्रिसमस पास होने के चलते उन्हें अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला। बर्मिंघम से वापसी की हवाई यात्रा यादगार बन गई।
मैं बर्मिंघम की फ्लाइट में बैठी तब मैंने डिसाइड कर लिया, हुनर बहुत है हिंदुस्तान में, मुझे उसको विदेशों में पहुंचाना है। तभी से सिनी डिजाइंस का एक नींव मेरे दिमाग में बना और सिनी डिजाइंस की शुरुआत ही बर्मिंघम फेयर में हुई। कालांतर में 15 साल पूर्व शुरू किया गया इनका आस्था फाउंडेशन अब 2020 में सिनी फाउंडेशन बन चुका है और मात्र 1200 रुपयों से शुरू हुआ इनका लघु उद्योग अब 12 करोड़ रुपयों के सालाना टर्नओवर वाला एक अंतरराष्ट्रीय कारोबार बन चुका है। अपना पेट तो सब पाल लेते हैं लेकिन काबिले तारीफ वो हैं जो दूसरों की भूख मिटाने का सार्थक प्रयास करें। गुजरते वक्त के साथ नीतू सिंह की कंपनी न सिर्फ रोज नए झंडे गाड़ रही है बल्कि नोएडा सहित देश भर की कई कंपनियों को काम देकर देश की बेरोजगारी कम करने में अपना योगदान भी कर रही है। से उसका अप्रूवल लिया, तब इतने लार्ज स्केल पे मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे हॉस्पिटल से, एमएनसी से, कि बहुत सारे लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ी। लॉकडाउन के दौरान हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान हमें मिसेज नीतू सिंह जो सिनी डिजाइन के ओनर है, उन्होंने काफी मदद की और पीपी किट बनवाई हमसे, और इसको लेकर के हमारे कारीगर भी बेरोजगार नहीं हुए और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। लॉकडाउन में मुझे बहुत दिक्कतें हुई और मेरे को लेबर के लिए काम में बहुत परेशानी हुई। उस दौरान नीतू मैडम, जिनकी कंपनी सिनी डिजाइन है, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पीपी की कवरऑल का और पैसेंजर गाउन का काम दिया, जिससे मैंने पूरे लॉकडाउन अपने लेबरों की और अपनी कंपनी की संचालन किया है। कोरोना संकट से पूर्व भी नीतू सिंह देश भर के कारीगरों और बुनकरों को अपनी कंपनी से जोड़ने में प्रयासरत रही हैं। इसमें मेरा एक बहुत बड़ा ध्येय ये है कि मैंने अपने आर्टिसंस को, मैंने अपने वीवर्स को, उनके प्रोडक्ट्स को अपने एग्जीबिशंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपने बायर्स को शोकेस किया। वहाँ से ये ऑर्डर लाके वीवर्स और आर्टिसंस को मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बनाए हुए प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ। इस पहल की बदौलत मधुबनी, भागलपुर और बनारस से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और पानीपत तक सैकड़ों कारीगर और बुनकर परिवार अब तक नीतू सिंह की कंपनी से लाभान्वित हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे नीतू सिंह का संघर्ष और उनकी कंपनी की कहानी अनेकों महिलाओं के लिए एक विलक्षण प्रेरणा का स्रोत भी है। देखते रहिए क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आई एम श्योर यू विल अग्री दैट वुमेन एम्पावरमेंट is one of the flavors of the day. और सचमुच अगर आपको महिला सशक्तिकरण का कोई उदाहरण देखना हो तो आप नोएडा स्थित नीतू सिंह की इस फैक्ट्री में पधार सकते हैं।
स्वयं एक महिला कारोबारी होने के साथ साथ नीतू सिंह महिला सशक्तिकरण के प्रति काफी सजग भी हैं। वुमन एम्पावरमेंट मेरा मकसद है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां आर्टिसंस, वीवर्स, स्पेशली वुमन अपने अंदर की सारी क्वालिटीज को इस तरह से निखार कर दें कि वो न सिर्फ फाइनेंशियल बहुत इंडिपेंडेंट हो बल्कि उनकी भी अपनी इकाई हो। नोएडा स्थित इनकी कंपनी सिनी डिजाइन्स में कार्यरत मजदूरों कर्मचारियों में करीब 80% संख्या लड़कियों और महिलाओं की है। बीइंग अ वुमन, मैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव लेडी है और सारी लड़कियों को, हमारे ऑफिस में मैक्सिमम फीमेल स्टाफ है, सब लोगों को हमेशा एनकरेज करती हैं अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बीइंग अ वुमन, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था तो उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ, काम करूँ और काम के साथ साथ मैं अपने घर पर भी ध्यान दे पाऊँ। एक रूप में कई किरदार निभाती है, एक रूप में कई किरदार निभाती है, कभी गौरी रूप तो कभी दुर्गा बन जाती है। एक रूप में कई किरदार निभाती है, कभी गौरी रूप तो कभी दुर्गा बन जाती है, औरों के हित में ही सोचकर राह अपनी राह चुनती है। हाँ मैं ये कह सकती हूँ क्या बात है, हाँ मैं कह सकती हूँ क्या बात है, असली नारीत्व की पहचान हमारी मैम बताती है। नीतू सिंह की ऐसी भावुक प्रशंसा के पीछे कुछ ठोस कारण है, जैसे नोएडा स्थित इनकी कंपनी की 10% सिलाई मशीनें फीमेल टेलर्स की ट्रेनिंग के लिए आरक्षित हैं। तय समय सीमा में काम सीख लेने पर उन्हीं प्रशिक्षित लड़कियों को इसी कंपनी में नौकरी पर रख लिया जाता है। अगर कोई इंसान कोरोना जैसी आपदा को भी अवसर में तब्दील कर दे तो निश्चित ही उसकी सोच में कुछ खास बात तो होगी। तो आइए जानते हैं क्या खास है नीतू सिंह की सोच में। कंपीट मैंने कंट्रीज से किया जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो इंडोनेशिया है, चाइना है, बांग्लादेश है। इन यहाँ पर काफ़ी जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स थे वहाँ से काफ़ी वो अपनी परचेजिंग करते थे, पर मैंने जो प्रोडक्ट वो परचेस करते थे मैंने उसको इंडियन वर्जन में ग्लोरीफाई करके उनकी परचेजिंग इंडिया की तरफ, सिनी डिज़ाइंस की तरफ जो डाइवर्जन मेरा था, मुझे लगता है कि वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे थ्रिल्ड करता है कि यहाँ कंपटीशन अपने लोगों से नहीं है, मैंने, मेरी कंपनी ने दूसरे देशों से कम्पीट किया है। तो वैसे में मैं जरूर चाहूँगी कि उनके, अगर शादी हो गई है तो उनके हस्बैंड, अगर वो एक बेटी है तो उनके माता पिता, उनके भाई, इस चीज़ को समझें कि एक मौका तो जरूर है, मौका मिलेगा तो किसी को मलाल नहीं मिलेगा, न मौका मिलने वाले को न मौका देने वाले को, आप देकर तो देखिए और तब उनकी उड़ान देखिए। यूं तो नीतू सिंह को अब तक अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं, पर साल 2018 में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए इमर्जिंग बिजनेस वुमन ऑफ एशिया सम्मान उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। जब कोरोना के संकट ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था, तब जिस कारोबारी ने अपनी फैक्ट्री में एक भी कर्मचारी या मजदूर को न सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला बल्कि कई अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार दिया, उस संवेदनशील महिला कारोबारी की प्रेरक दास्तान को देख सुनकर आप भी तो यही कहेंगे ना, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।